हमने अगले महीने भी एक राइड प्लान कर रखी है, सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको वो राइड भी मिस ना हो। सो यू सब गाइस, तो कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी मेरे जो प्लान हो रहा है कि मैं जाता पेरुमदारा, बिकॉज मेरे को इसमें थोड़ी बहुत स्टिकरिंग का काम करवाना है। एंड अभी आपको बाइक का लुक थोड़ा चेंज दिख रहा होगा, बिकॉज मैंने एक पहले ये स्टिकर ऐड कर रखा है एंड यहाँ पर मैंने आउटलाइन कर दी थी, इस साइड से मैंने खुद कर रखी है एंड यहाँ पर इस साइड से भी मैंने आउटलाइन कर दी थी एंड इधर पे भी मैंने कर दिया था, मतलब वाइट कलर कर दिया था। तो इससे जो लुक है बहुत तो अब अभी सही हो चुका है, बहुत बढ़िया लग रही है। एंड पीछे से इसका लुक चेक कर रहे हो। तो अभी बाकी बातें करते हैं आपसे मोटर व्लॉग पर। गाइस अभी मतलब मेरे को जो स्टिकरिंग का काम कराना है ना, वो थोड़ा आगे की साइड में मैंने बनी लिखवाना है, बिकॉज अपनी बाइक का नाम बनी है तो बनी लिखवा देंगे एंड प्यारा सा एक क्यूट सा बनी बना देंगे उसमें। उससे मतलब वो इसका लुक थोड़ा इन्हांस भी हो जाएगा एंड बाइक भी थोड़ी और सही लगेगी। तो अभी यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा चल रही है एंड मेरी मतलब मैं इससे पिछले वाले व्लॉग में ना मतलब विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो सॉरी गाइस उसके लिए। एंड अभी भी मेरे ख्याल से विंड ब्लास्ट आ ही रहा होगा थोड़ा बहुत। एंड जल्दी मैं हेलमेट भी चेंज करने वाला हूँ, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उससे मतलब विंड ब्लास्ट वगैरह भी कम हो जाएगा। एंड ये वाला जो मेरा हेलमेट है ये पेलियन राइडर के लिए हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से सीधे मिलता हूँ पेरुमदारा, बिकॉज ज़्यादा बोल के यहाँ पर फ़ायदा नहीं है, विंड ब्लास्ट आपको आ रहा होगा। फिलहाल अभी मैं पेरुमदारा तो पहुँच चुका हूँ एंड लेट्स सी हर्षिल, मेरे ख्याल से वो वही वाली शॉप में होगा जिसमें हमने पहले स्टिकरिंग का काम कराया था। यार ट्रैफिक कितना हो रहा है यहाँ। अभी हमें यहाँ से मुड़ना पड़ेगा राइट में, लेट्स गो यार। चलो 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 चलो, ऐसे अभी हमें अंदर को मुड़ना पड़ेगा, अंदर अंदर, लेट्स गो। फिलहाल अभी शॉप में तो पहुंच चुका था एंड हर्षल ने भी यहाँ पर स्कूटी में कुछ करा रखा है, ऐसे फॉन्ट मतलब लिखवा रखे हैं एंड इसके ऊपर कलर वगैरह करता है नहीं, मुझे नहीं पता। एंड अपनी बाइक कुछ ऐसे लग रही है अभी, इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर 390 लिखवा देता हूँ एंड पीछे के साइड में यहाँ पर फास्ट एंड फ्यूरियस लिखा देता हूँ, तो वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा एंड यहाँ आगे से यहाँ पर बनी बन जाएगा। गाइस जब ना थोड़ी बहुत स्टिकरिंग वगैरह वो मैंने कर दी थी एंड थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स आपने देख लिए होंगे, स्टिकरिंग क्या क्या करवा रखा है मैंने करके। तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से घर के लिए एंड बहुत ज़्यादा रात होगी, ज़्यादा बहुत तो मैंने शूट नहीं करा, थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया था एंड हम कल को करते हैं, बिकॉज अभी ज़्यादा रात हो गई है तो ज़्यादा मैं शूट नहीं कर सकता अभी। बाय बाय, रात का भी सही हो रहा है यहाँ वेदर, रात को भी सही है यार ब्लॉग करने के लिए। कोई नहीं, फिर दूसरी जगह जहाँ हम जाएंगे वहाँ रात को भी शूट होते रहेंगे, तो रात को भी टेंशन नहीं रहेगी अपन को, बिकॉज यहाँ ज़्यादा लाइट्स वगैरह हैं नहीं, तो इधर पे ज़्यादा हम रात को शूट नहीं कर सकते, हमको दिन या शाम में करना होता है शूट। आज ये जो व्लॉग है वो मैं अगले दिन से कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा मेरे को व्लॉग वगैरह शूट करना था, तो थोड़ा लोकेशन में निकलते हैं एंड एक लोकेशन पे निकलते हैं। एंड अभी वेदर भी देख रहे हो कितना प्यारा हो रहा है, मतलब क्लाउड्स वगैरह छा रखे हैं, तो अभी मेरे को ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट भी नहीं होगा व्लॉग बनाने में। एंड मैंने इसमें थोड़ी बहुत कुछ मॉडिफिकेशंस कर रखी हैं, मैंने रात में करी हैं एंड कुछ मैंने थोड़ा सुबह में उठ कर दी थी। और जो मेरी कल की आवाज़ है डाउन जैसी लग रही होगी आपको, बिकॉज कल मेरे को बुखार आ रखा था, बट मैंने तब भी शूट करा जितना मेरे से हो सका। मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन लग रही होगी या थोड़ा कुछ कमी लग रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। अभी मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ, बट अब मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज जैसी लग रही होगी, बट अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, मैंने मेडिसन्स वगैरह ले ली थी एंड रात को मुझको कुछ ज़्यादा ही फीवर हो गया था। तो चलो कोई बात नहीं, व्लॉग्स वगैरह तो हमने बनाने ही हैं, तो अभी यहाँ से निकलते ऊपर के साइड एंड वहाँ पर थोड़ा आ जाएंगी अच्छी खासी लोकेशंस, लेट्स गो। आगे का वेदर देखो कितना प्यारा हो रहा है। एक बार मैं यहाँ से अंदर को जाके देखता हूँ, अगर वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं होंगे तो मैं उधर पे थोड़ा बहुत शूट वगैरह कर लूँगा। एंड ये वाला व्लॉग ज़्यादा मैं लंबा तो नहीं खींचूंगा, बिकॉज इसमें थोड़ी बहुत मैंने मॉडिफिकेशंस वगैरह दिखानी थी आपको। हमने अगले महीने भी एक राइड प्लान कर रखी है, तो मेक श्योर मेरे को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको वो राइड भी मिस ना हो एंड वो बहुत बढ़िया राइड होने वाली है।
मतलब जैसे हम नैनीताल जा रखे थे वैसी कुछ सिमिलर सी प्लेस है, पहाड़ में ही है। यहाँ से अंदर चलते हैं, यहाँ से अंदर देखते हैं। भाई भाई क्या वेदर, क्या प्यारा लग रहा है। और फिलहाल गाइस अभी मैं कुछ ऐसी सी लोकेशन में रुक रखा हूँ एंड ये मेरे को थोड़ा व्यू यहाँ का पीछे का बेटर लगा, तो मैंने यहाँ पर मतलब बाइक लगा दी थी। एंड इसमें देख रहे हो थोड़ी बहुत आपको ये और शाइन करती हुई दिख रही होगी और हाईलाइट करती हुई। ये देखो इसमें पहला काम तो मैंने आप जब इससे पिछली वाली क्लिप में मैंने शुरुआत में आपको दिखा रखा था इतना ही हाईलाइट हो रखा था इतना पार्ट, एंड अब मैंने ये पूरा हाईलाइट कर चुका यहाँ से लेकर यहाँ तक। एंड दूसरी साइड भी ऐसा ही कर रखा है। एंड टायर में तो मैंने हाईलाइट करी थी जो आपको वाइट स्ट्रिप्स जैसी दिख रही हैं, पूरी परफेक्ट मैंने हाईलाइट करी थी। एंड आगे से कल मैं ये स्टिकरिंग के लिए गया था तो मैंने प्यारा सा क्यूट सा बनी लगा दिया था एंड बनी भी लिखा दिया था यहाँ पर। एंड इस साइड से भी जो मैंने आपको कहा था मतलब इसकी फेयरिंग में साइड मैंने आउटलाइन कर दी थी एंड इससे और इतना ज़्यादा इन्हेंस हो गया ना लुक, मतलब देख लो कितनी प्यारी लग रही है बाइक। एंड इधर पीछे से मैंने फास्ट एंड फ्यूरियस भी लिखा दिया था, ये चेक कर रहे हो फास्ट एंड फ्यूरियस भी मैंने इधर लिखा दिया था, तो ये इसका लुक और ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये मैंने पहले ही कर दिए थे। एंड अपना जो एप्पल का स्टिकर ये तो मैंने पहले से लगा रखा था, साथ ही साथ मेरे गोप्रो में जो स्टिकर मिल रखा था वो गोप्रो का मैंने इधर लगा दिया था। एंड देखिए कितनी प्यारी लग रही है और बाइक मतलब लुक एकदम इन्हेंस हो गया इसका। गाइस जो अभी थोड़ा बहुत मैंने आपको रिव्यू वो तो मैंने दे दिया एंड इसमें थोड़ी बहुत और भी मैं मॉडिफाई करूँगा इसको, मैंने खुद के हाथ से देख रहा हूँ। अभी यहाँ पर ये जो इसका कॉकपिट है वो कितना सही लग रहा है, मतलब देख रहे हैं यहाँ पर ये जो इसकी फेयरिंग है, फेयरिंग में यहाँ पर हाईलाइट करा हुआ कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैं जो भी कमी रही होगी या जो भी मतलब थोड़ा आपको बेकार जैसा लग रहा होगा तो मेक श्योर मुझे कमेंट में बता देना जिससे मैं उसको और इन्हेंस कर सकूँ या इम्प्रूव कर सकूँ। तो गाइस अभी जल्दी जल्दी निकलता हूँ मैं घर के लिए। नहीं यार ब्रेक ही क्यों मारते हो इतना। भाई 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 लिटरली बहुत ज़्यादा ऑसम पावर है। हटिया आपने नहीं देखा क्या मेरे चैनल? हाँ देखा, देखता हूँ, सब्सक्राइब भी किया मैंने तो। कर रखा है? अच्छा वो चिंटू ने बोला था। अच्छा कौन चिंटू? चिंटू वो अर्पित आपके स्कूल में जो पढ़ता है। हाँ हाँ अच्छा उसने कहाँ जा रहे थे फिर? कहाँ जा रहे थे? अच्छा चलो घूमो घूमो, आपने हाथ दिया था ना, मैं स्पीड में था मैं रोक नहीं पाया। अच्छा चलो ठीक है आप भी आ रहे हो ब्लॉग में हमारे। कल कल परसों में देख लेना, कल परसों में आ जाएगा ब्लॉग, आप आ जाएगा ठीक है फिर। हाँ बाय बाय। या गाइस आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम, बाय गाइस।